विंध्याचल पर्वत तो बढ़ता ही जा रहा है। हिमालय से भी महान, पर्वतों में महानतम विंध्याचल पर्वत हूँ मैं। सूर्य की किरणें भी मुझे पार नहीं कर सकती। मुझे विंध्याचल पर्वत को नियंत्रण में लाना ही होगा। विंध्याचल पर्वत ने अपना आकार इतना बढ़ा लिया कि उन्होंने सूर्य देव की किरणों को भी बाधित कर दिया। हाँ गणेश। तब ऋषि अगस्त्य ने फिर क्या किया पिताश्री? विंध्याचल पर्वत का कर्तव्य तो अपनी विशालता से यहाँ के वासियों की रक्षा करना है, किंतु वो इन लोगों के साथ शत्रुवत व्यवहार कर रहा है। यही परिणाम होता है अहंकार का। ये सब क्या हो रहा है? हमारा जीवन संकट में है। इन शिलाखंडों की वर्षा से हम अपनी रक्षा कैसे करें? हमारे तो परिवार नष्ट हो जाएंगे। पिताश्री, हमारी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, कहाँ जाए, किधर भागे, कोई स्थान सुरक्षित नहीं है। जो अपनों से ही अपनों को पृथक करता है, रक्षक से भक्षक बना देता है। विंध्याचल पर्वत के इस विशाल आकार से हम सब नष्ट हो जाएंगे। प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, प्रभु हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, भागो, भागो, रक्षा करो, अपने प्राणों की रक्षा करो, भागो, भागो, रक्षा करो, प्रभु रक्षा कीजिए। ये शीत तो असहनीय है। स्वामी, शीत का प्रचंड प्रकोप हो रहा है यहाँ। विंध्याचल पर्वत ने सूर्य की किरणों के साथ उनकी उष्णता को भी यहां आने से रोक दिया है, इसीलिए इस क्षेत्र का तापमान गिरने लगा है। यदि ऐसा ही रहा तो यहां सर्वत्र हिम का प्रभाव हो जाएगा। किंतु मैं ऐसा कदापि होने नहीं दूंगा, किंतु मैं ऐसा कदापि होने नहीं, किंतु मैं ऐसा कदापि होने नहीं दूंगा। विंध्याचल, 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 पर्वतों में अतुलनीय महानतम पर्वत हूं मैं। मेरा नाम पुकारने का दुस्साहस किसने किया? ये सूक्ष्म बिंदु के समान खड़ा होकर कौन पुकार रहा है मुझे? मैंने पुकारा। ऋषि अगस्त्य यहां? ऋषि अगस्त्य यहाँ, जिनका सम्मान देवता ही नहीं त्रिदेव भी करते हैं, आज स्वयं मेरे निकट पधारे हैं। धन्य हुआ मैं। सावधान विंध्याचल, कहीं कोई भूल ना हो जाए। अहंकार में इतना डूब गए तुम कि अपने गुरु को प्रणाम करना तक भूल गए। कैसे हो गया तुमको इतना अहंकार? ये कैसी भूल हो गई मुझसे? मुझे क्षमा करे गुरुवर, आप मुझे दिखाई नहीं दिए। जब दंभ में किसी का शीश आकाश से भी ऊपर उठ जाता है तो उसे स्वयं के महानतम होने की भ्रांति हो जाती है और तब उसे दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। विंध्याचल, क्रोध में कहीं गुरुदेव मुझे शाप न दे दें। मुझे क्षमा कीजिए ऋषिवर, क्षमा कीजिए। चल का अहंकार नियंत्रण में तो आया, गुरु का सम्मान किया इसने, इसलिए दंड नहीं दूंगा इसे, किंतु मुझे इसके अहंकार का स्थायी उपाय करना होगा। पहुंच रही है और शीत का प्रभाव भी मिट रहा है। विंध्याचल पर्वत भी झुक गया है। हम सब सुरक्षित हैं, हमारा परिवार भी सुरक्षित है। पिताश्री, ऋषि अगस्त्य ने विंध्याचल पर्वत को झुका तो दिया, किंतु उनके वहां से हटने पर
पुनः पर्वत का अहंकार जागृत ना हो उठे ये सुनिश्चित करने का क्या उपाय था? तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर तो ऋषि अगस्त्य ढूंढ चुके थे पुत्र। उपाय ढूंढ चुके थे किंतु क्या उपाय किया होगा ऋषिवर ने? प्रणाम ऋषिवर, मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भूल को विनम्रता से स्वीकार करने वाला ही महान होता है। मैं दक्षिण की यात्रा में हूँ, जब तक मैं वहां से वापस न लौटूं, तुम्हें इसी अवस्था में यथावत रहना होगा। जो आज्ञा गुरुवर। अद्भुत, कितनी बुद्धिमानी से ऋषिवर अगस्त्य ने विंध्याचल पर्वत के बढ़ते दंभ को नियंत्रण में ले आए। हाँ पुत्र गणेश, उस दिवस के पश्चात ऋषि अगस्त्य भी देवी लोपा मुद्रा के साथ दक्षिण में ही स्थित रहे, जिससे विंध्याचल पर्वत का शीश सदा प्रणाम मुद्रा में झुका रहे और पुनः संसार के लिए कोई संकट न उत्पन्न कर सके। महादेव, ऋषि अगस्त्य ने विंध्याचल पर्वत को उचित सबक सिखाकर न केवल स्वयं का मार्ग प्रशस्त किया वरन भविष्य के लिए उपज रहे एक संकट को भी दूर कर दिया। हमारे मार्ग में भी कोई बहुत बड़ी बाधा आने वाली है, ये मेरी दुश्चिंता है महादेव। मैं आपको वही बताने का प्रयास कर रहा हूँ। निर्मम संहार, उनके ये अवशेष किसी भयंकर शत्रु के उपस्थित होने के संकेत हैं। किंतु कौन आ सकता है यहाँ? किसका दुष्कृत्य हो सकता है ये? अवश्य कोई परभक्षी घुस आया है यहाँ। जो भी है, हमें उसे ढूंढकर उसका अंत करना चाहिए। उचित है, फैल जाओ यहाँ, ढूंढो उस परभक्षी को। अपने जलचरों की रक्षा का दायित्व तो हमें निभाना ही होगा। Oh,
तो कोई विचित्र शिशु है। इसी दुष्ट ने हमारे सागर के शांत जल में मृत्यु का आतंक फैलाया है। वध कर दो इसका। कदाचित इसके माता पिता ने इसका त्याग कर दिया और भूख लगी है इसे। कदाचित इसीलिए ऐसा क्रूर व्यवहार कर रहा है ये। किंतु इसमें इसका दोष नहीं। जल की नीम का आहार कर अपनी भूख ही तो मिटा रहा है। हम इसका वध नहीं कर सकते। नहीं, ये उचित नहीं। हमें नहीं ज्ञात ये कैसा जंतु है। नीम तो कदापि नहीं है, किसी प्रकार का जलचर भी नहीं। सागर में इसका कोई स्थान नहीं, इसलिए इसे हमें नष्ट करना होगा। रुक जाओ, मेरे रहते कोई इसे हानि नहीं पहुंचा सकता। एक निर्दोष असहाय शिशु का वध करने का विचार भी कैसे कर सकती हो तुम? आओ शिशु, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी और आज से तुम्हारा नाम होगा जलंधर। जलंधर, जलंधर। उचित है, ध्यान तो तुम्हारा रखेगा ये जलंधर। अब तुम सुरक्षित हो, भयभीत मत हो। तुम सब मेरे भोजन बनोगे। तुम भी। महादेव की क्रोधाग्नि से उत्पन्न एक महासंकट के होने का आभास मेरी चिंता बढ़ा रहा है। तो क्या पिताश्री, ऋषिवर अगस्त्य के दक्षिण पहुंचने पर माँ लोपा मुद्रा नदी में परिवर्तित हुई? नहीं पुत्र गणेश, वो अवसर अभी नहीं आया था। अभी तो ऋषि अगस्त्य दक्षिण की ओर जा ही रहे थे और मार्ग में। क्या हुआ दक्षिण के मार्ग में पिताश्री? हमें देख रहा है। वाह वाह, उत्तम, अति उत्तम। देखो कितना गोल मटोल हृष्टपुष्ट ऋषि है ये। बहुत समय से ऐसे किसी ऋषि का भोजन करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। इससे अपना आहार बनाकर हृदय तृप्त हो जाएगा। पिताश्री शीघ्र बताइए ना, मार्ग में ऋषि अगस्त्य और माता लोपा मुद्रा के साथ क्या हुआ? उन्हें कौन अकस्मात मिल गए? स्वामी, हम यहाँ कुछ समय के लिए विश्राम करेंगे। उचित है प्रभु, आप यहाँ विश्राम कीजिए, मैं तब तक आपके लिए वन से फल लेकर आती हूँ। उसकी कोई आवश्यकता नहीं देवी।
प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम माता। मैं वातापी हूँ, यहाँ के असुर राजा मेरे भ्राता इल्लवल हैं। मैं अपनी ओर से अपने भवन में आपका स्वागत करता हूँ। आइए ऋषिवर, हमारे भवन में विश्राम कीजिए। असुर राजा इल्लवल और उसका भाई वातापी दो क्रूर असुर भ्राता थे, जो अपने अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करने वाले ऋषियों और यात्रियों का वध करते थे। ऋषि अगस्त्य ने अपनी दिव्य दृष्टि से पल भर में वातापी का सत्य ज्ञात कर लिया था। इल्लवल सर्वथा में भोले भाले ऋषियों और यात्रियों को भोज के लिए आमंत्रित करता था, फिर अपने भ्राता वातापी को अज रूप में बलि देकर इन अतिथियों को उसका भोजन कराता था। इल्लवल को यह वरदान प्राप्त था कि वो किसी भी मृत जीवित का नाम पुकार कर उसे पुनर्जीवित कर सकता था। अपने अतिथियों को वातापी का भोजन कराकर इल्लवल कहता था, वातापी जीवित होकर बाहर आ जाओ। और उसका भ्राता जीवित होकर अतिथियों का उधर चीर कर बाहर आ जाता। तब ये दोनों उस मृत अतिथियों का धन हड़प लेते और उसके तन को अपना आहार बनाते थे। वातापी जीवित होकर बाहर निकलो। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अब इसका धन भी हमारा होगा और इसका तन हमारा आहार बनेगा। आप आएंगे ना ऋषिवर? अवश्य। मैं तुम्हारे इतने स्नेहपूर्ण निमंत्रण को अस्वीकार कैसे कर सकता हूँ? मैं तुमसे और तुम्हारे भ्राता से भेंट करने तुम्हारे राजभवन अवश्य आऊंगा। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम माता। आओगे तो तुम अवश्य, किंतु बचकर जा नहीं सकोगे। तुम्हारे विकार का उपचार आवश्यक है। उत्तम, अति उत्तम, अमूल्य आभूषण। उचित रहा इसका भक्षण करके धन की पेटी का उठाकर हमारे राजकोष में जमा कर दो, शीघ्र। असुर राजा इल्लवल और उनके भ्राता वातापी ऋषियों का संहार कर उनके शरीर की मज्जा को अपना आहार बनाते थे। ये क्या, होते हुए भी ऋषि अगस्त्य ने वातापी का निमंत्रण स्वीकार कर लिया? हाँ पुत्र, दक्षिण की ओर जाते हुए जब ऋषि अगस्त्य अपनी पत्नी देवी लोपामुद्रा के संग असुर राजा इल्लवल के क्षेत्र में पहुंचे, वहाँ की प्रजा दुष्ट राजा इल्लवल के अत्याचार से आतंकित थे। अन्य सभी के उनके कष्टों से मुक्त कराना ऋषि अगस्त्य ने अपना कर्तव्य समझते थे। तो फिर ऋषि अगस्त्य ने क्या किया पिताश्री? मैं यहाँ के राजभवन होकर आता हूँ, आप यहीं रुकिए। स्वामी, आप नहीं चाहते कि मैं भी आपके साथ चलूं? वहाँ जो असुर प्रस्तुत करेंगे वो आपको प्रियकर नहीं होगा। चिंता का कोई कारण नहीं है, मैं शीघ्र लौटाऊंगा। अति आनंद आया। भ्राता श्री, आपकी प्रसन्नता का कारण मुझे समझ में नहीं आया। भ्राता, भ्राता वातापी, सैकड़ों मुद्राएं, बहुमूल्य रत्न, बहुमूल्य आभूषण प्राप्त हुए उस व्यापारी का भक्षण करके, और तुम कहते हो
की प्रसन्नता का कोई कारण नहीं? किंतु हमारे भोजन योग्य नहीं था वो। इतना करिश्का है जैसे मात्र त्वचा और हड्डियों का ढांचा हो। मुझे तो किसी रसीले हृष्टपुष्ट स्वादिष्ट ब्राह्मण का भोजन करना है, और ऐसा एक ब्राह्मण मुझे वन में मिल भी गया है, और वो इसी ओर आ रहा होगा। महाराज इलुवल, युवराज वतापी, महाराज आपसे ऋषि अगस्त भेंट करने आए हैं। स्वागत है आपका ऋषिवर। जब तक आप यहाँ हैं आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। हम संपूर्ण ध्यान रखने वाले हैं आपका। आशा करता हूँ मेरा ये आगमन आपके लिए भी उतना ही सुखद हो जितना मेरे लिए। मनुष्यों को अपना आहार बनाने वाले इलवल और वातापी जैसे असुर के साथ क्यों चलेगा ऋषिवर अगस्त्य? पिताश्री, इससे क्या उन्होंने स्वयं को संकट में नहीं डाला? मेरा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद ऋषिवर। आप दोनों का निमंत्रण अस्वीकार कैसे करता मैं? आपकी दानवीरता की प्रसिद्धि तो दूर दूर तक फैली है। बहुत ध्यान रखते हैं आप यहाँ आने वाले ऋषियों और यात्रियों का। प्रतापी, जीवित होकर बाहर निकलो। आप दोनों महान असुरों से भेंट करने तो मुझे आना ही था। मात्र रुद्राक्ष की माला है इसके कंठ में, स्वर्ण की बाली तक नहीं है इसके कानों में। इस निर्धन ब्राह्मण से भला मुझे क्या लाभ होगा? वाह, कितनी मान सकते है इसकी। आज तो उधर भर भोजन प्राप्त करूंगा मैं। आपने यहाँ आकर हमें कृतार्थ कर दिया ऋषिवर। अरे कहाँ चल दिया ऋषिवर? मेरा अर्थ ऋषिवर, आप अचानक उठकर ऐसे कहाँ जा रहे हैं? अभी अभी तो आप आए ही हैं। हमारे साथ भोजन करने के बाद ही जाइएगा। नहीं नहीं नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो केवल आप दोनों से भेंट करना चाहता था। जैसे आपको उचित लगे ऋषिवर। अरे ये भैया क्या कर रहे हैं? ये ऋषि तो जाने भी लगे। ऐसा भोजन कैसे जा सकता है? आप ये क्या कर रहे हैं भ्राता? क्यों जाने दे रहे हैं इसे? ना रत्न, ना स्वर्ण, ना आभूषण, निर्धन ब्राह्मण की रुद्राक्ष की माला का हम क्या करेंगे? इससे हमें कुछ लाभ ना होगा। उसके धन को छोड़िए भ्राता, उसके धन को देखिए, कितना मानसल है वो ऋषि। वो आज हमारे आहार का अच्छा प्रबंध है। उचित कह रहे भ्राता वतापी, इसका भोजन करने में तो आनंद ही आनंद आएगा। आज तुम्हारे प्रत्येक विचार का एक ही परिणाम होगा असुरो। अगस्त ऋषि, ये तुमने नहीं, तुम्हारे पाप कर्मों के परिणाम ने पुकारा है मुझे। क्या हुआ राजन, आपने क्यों पुकारा मुझे? मेरा मन नहीं स्वीकार कर रहा ऋषिवर। ऐसे आपको जाने दो? नहीं नहीं, हे ऋषिवर, हमें आशीर्वाद दीजिए, हमारे भोजन को प्रसाद बना दीजिए। मैं आपको खाए बिना नहीं जाने दूंगा। मेरे कहने का अर्थ है,
कि आपको भोजन किए बिना नहीं जाने दूंगा। ऐसा अवसर बार बार कहाँ आता है ऋषिवर? आप जैसे ऋषि हमारे राज्य में पधारे हैं, हम पर अपनी कृपा कीजिए, भोजन करने के बाद ही जाइएगा, अन्यथा हम स्वयं को भी क्षमा नहीं कर सकेंगे। उचित है। राजा बतापी, ऋषिवर के लिए विशेष व्यंजन का क्या प्रबंध किया? भ्राता, मैं अभी देख कर आता हूँ। ऋषिवर, हमारे विशेष व्यंजन को मैं स्वयं तैयार करवा कर आता हूँ। ऋषिवर, मुझे भी आज्ञा दीजिए, मैं भी आपके लिए विशेष प्रबंध करना चाहता हूँ। आपका व्यंजन श्रेष्ठतम होना चाहिए। आप मेरी चिंता ना करें, मेरे लिए इतना भोजन पर्याप्त है। चिंता कहाँ ऋषिवर, इसमें तो आनंद ही आनंद है। अब मुझे आज्ञा दीजिए। ऋषिवर, हमारा विशेष व्यंजन ग्रहण करके हमें कृतार्थ कीजिए। आप आनंदित होंगे तो हम आनंदित होंगे। बस अब कुछ ही पलों में हम तुम्हारा भोज करेंगे। मूर्ख ऋषि, अब समय आ गया है मेरे भ्राता के बाहर आने का, तत्पश्चात फिर तुम हमारा भोजन बनोगे। कुछ ही क्षणों में तुम्हारा ये संतुष्टि का भाव भय में परिवर्तित हो जाएगा ब्राह्मण। प्रतापी, बाहर आओ। अब किसी भी पल मेरा भ्राता वदापी तुम्हारा उधर चीर कर बाहर आएगा। वातापी जीर्णम। ये ऋषि कर क्या रहा है? वातापी बाहर आओ। जीर्णम वातापी जीर्णम। भैया बचाइए मुझे, मेरे प्राण संकट में है। भैया बचाइए, भैया बचाइए मुझे। वतापी बाहर आओ, वतापी बाहर आओ। जीर्णम वातापी जीर्णम। तुम्हारे भ्राता वातापी अब कभी बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि मैं उन्हें बचा चुका हूं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वातापी बाहर आओ। वातापी का वध करने का दुस्साहस किया है, मैं भी तुम्हारा वध इसी क्षण करूंगा।
एक असुर राजा का भी धर्म है कि वो अपनी प्रजा और अपने राज्य से निकलने वाले यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करे, किंतु तुमने अतिथियों का सत्कार, उनका वध करके उनका धन हड़प लिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जिस प्रकार अनेकों ऋषियों को अपना भोजन बनाकर तुमने उनका अंत किया, उसी प्रकार तुम्हारा शरीर भी भस्म हो जाए। ऋषि अगस्त्य ने कितनी सरलता से उन दोनों असुर भ्राताओं के आतंक को नष्ट कर दिया। जानते हो गणेश, भोजन के उपरांत अपने उदर पर हाथ फेरने की परंपरा का आरंभ इसी घटना के बाद हुआ। हाँ पिताश्री, मुझे भी माँ ने इस मंत्र के बारे में बताया था, जीर्णम जीर्णम, तभी तो मैं पूरी असुर सेना को पचा पाया था। हाँ पिताश्री, भोजन के बाद तो मैं भी अपने उदर पर हाथ फेरता हूँ और मुझे आभास भी होता है। जीर्णम जीर्णम, असुर सेना जीर्णम। तुम्हें भोजन इतना प्रिय है गणेश कि स्वादिष्ट भोजन देखकर तो तुम्हारी भूख कभी भी जागृत हो सकती है। भोजन ना करने का प्रण तुम्हारे लिए कितना दुष्कर है मैं समझ सकती हूँ। पिताश्री, ऋषि अगस्त्य के जीवन का प्रत्येक प्रसंग अत्यंत रोचक है, हमें बताइए ना पिताश्री, फिर क्या हुआ? इल्वल और वातापी के अंत के बाद ऋषि अगस्त्य और देवी लोपामुद्रा सदा के लिए दक्षिण में ही स्थित हो गए। देवी लोपामुद्रा पतिव्रता और धर्मपरायण स्त्री थी और सदैव ऋषि अगस्त्य की सेवा और उनके अनुष्ठान में सहायता करने में व्यस्त रहती थी। उनके इसी निस्वार्थ प्रेम और समर्पण के भाव से ऋषि अगस्त्य के मन में भी पत्नी के प्रति स्नेहपूर्ण जुड़ाव और आसक्ति उत्पन्न हुए, ऐसा जुड़ाव जो पति पत्नी के संबंध में सदैव स्थापित हो ही जाता है। ऋषि अगस्त्य जन्यथा सभी से विरक्त थे, वो भी अपनी पत्नी के प्रति आसक्त होने लगे। देवी लोपामुद्रा के प्रति ऋषिवर के हृदय में अनुराग जागृत हो गया, किंतु अब उनके एक दूसरे से विलग होने में अधिक समय शेष नहीं था, क्योंकि अब देवी लोपामुद्रा का कावेरी नदी में परिवर्तित होने का समय आ गया था। स्वामी, आपके इस स्नेह स्पर्श ने मुझे कृतार्थ कर दिया। तुम्हारा साथ पाकर तो मैं कृतार्थ हुआ हूँ लोपामुद्रा। अब वो समय अधिक दूर नहीं जब हमें एक दूसरे से दूर होने के लिए विवश होना होगा। स्वामी, नियति का भान है मुझे, वो समय निकट है जब तुम्हें नदी में परिवर्तित होकर मुझसे दूर जाना होगा। मैं भी आपसे दूर नहीं जाना चाहती स्वामी, प्रतिदिन इसी आशंका में घुलती रहती हूँ कि कब वो समय आएगा जब नियति को टालना असंभव हो जाएगा। अपनी आशंकाओं से मुक्ति पाओ, निर्णय लो कि तुम मुझसे दूर कभी नहीं जाओगी और मैं भी तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। स्वामी,
नहीं, मैं जा रही हूँ। नहीं नहीं प्रिये, नहीं प्रिये। स्वामी मुझे रोक लीजिए, स्वामी मैं विवश हूँ, जा रही हूँ मैं। श्री, माता जब नदी बन गई, तो वो बही क्यों नहीं? वो ऋषिवर के कमंडल में कैसे आ गई? तुम नदी का प्रवाह नहीं बनोगी। यदि मेरा अनुष्ठान, मेरा तप सत्य है, यदि महादेव के प्रति मेरी आस्था सत्य है, तो तुम प्रवाहित नहीं होगी। मैं आदेश देता हूँ, रोक दो अपना प्रवाह, लोपा मुद्रा फ्री है। मुझे छोड़कर तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, मैं सदा अपने साथ रखूंगा तुम्हें। उसके पश्चात जब ऋषि अगस्त्य ध्यान मग्न हुए तो उससे बाहर नहीं आए और लोपा मुद्रा कावेरी नदी के रूप में उनके कमंडल से बाहर नहीं आ सकी। और किसी में इतना साहस नहीं जो जाकर ऋषिवर का ध्यान भंग करे और उनसे लोपा मुद्रा को नदी के रूप में प्रवाहित होने के लिए मुक्त करने का अनुरोध करे। गुरु अपने शिष्यों का आग्रह नहीं टाल सकते, कदाचित भैया को ऋषिवर के पास जाना चाहिए। वो मेरे गुरु हैं गणेश, मैं उनका ध्यान भंग करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। उचित है, फिर मैं जाऊंगा ऋषि अगस्त्य के निकट। मैं माँ लोपा मुद्रा को नदी रूप में प्रवाहित होने के लिए ऋषिवर के कमंडल से उन्हें मुक्त करवाऊंगा। मुझे आज्ञा दीजिए पिताश्री कि मैं ऋषि अगस्त्य के पास जाकर उनके कमंडल से माँ लोपा मुद्रा को नदी रूप में प्रवाहित करने का प्रयास करूं। प्रभु, क्या ये उचित? अभी भ्राता नारायण, पुत्र कार्तिक के ब्रह्मदेव, इंद्रदेव और स्वयं आप भी ऋषि अगस्त्य की अपार शक्ति का वर्णन कर रहे हैं। कोई उनके तप को भंग कर उनके क्रोध को जागृत करने का इच्छुक नहीं, तो फिर गणेश उनके क्रोध से सुरक्षित कैसे रहेगा? ना माँ, ऋषि अगस्त्य ने अपनी पत्नी के मोह में उनको खोने की आशंका में ऐसा किया है। जब पिताश्री ने आपको माता सती के रूप में खोया था, तब उनकी क्या अवस्था हुई थी, आपको स्मरण है ना माँ? इसलिए माँ, ऋषि अगस्त्य का मोह भंग करने के लिए उन्हें मात्र एक संकेत देने की आवश्यकता है कि उनके इस निर्णय से दक्षिण में आपदा की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऋषिवर से अधिक ये कौन समझ सकता है कि व्यक्तिगत स्वार्थ जन कल्याण से ऊपर नहीं? उनका क्रोध, कहीं उससे तुम्हें कोई हानि ना पहुंचे। माँ, आप निश्चिंत रहिए, मैं उनके क्रोध को जागृत नहीं करूँगा, मात्र इतना आभास कराऊंगा उन्हें कि माँ लोपा मुद्रा का उनके कमंडल से मुक्त होना आवश्यक है। स्मरण कराऊंगा उन्हें कि कावेरी नदी बनकर दक्षिण की भूमि को तृप्त करना ही माता की नियति, उनके जीवन का उद्देश्य है। विलक्षण है तुम्हारी बुद्धि पुत्र, अद्भुत है तुम्हारी परिपक्वता, तुम अवश्य सफल होगे।
किंतु पुत्र माँ हूं मैं, दो पुत्रों की माँ, इसीलिए मेरा विचलित होना तो स्वाभाविक है। किंतु तुम निसंकोच जाओ पुत्र, तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य में सफलता अवश्य प्राप्त हो। माँ ने तो मुझे आशीष दे दिया, किंतु आप सभी के आशीर्वाद से मुझे और सहायता प्राप्त होगी। जाओ पुत्र, सबकी पीड़ा हरने हेतु अपना लक्ष्य सिद्ध करो। गणेश, दक्षिण के सभी जीवों के जीवन का विघ्न हरो, मेरा आशीष सदैव तुम्हारे साथ है। गणेश, मुझे ज्ञात है तुम अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कुछ भी अनुचित कदापि नहीं करोगे, किंतु ऋषिवर के क्रोध के प्रति सावधान रहना होगा तुम्हें। अवश्य भैया। माँ और संतान का बंधन भी विचित्र है। माँ संतान की चिंता करती और उसे कठिनाइयों से संघर्ष करने का विश्वास और साहस भी देती है। मेरा पुत्र अवश्य सफल होगा। सफल होकर ही लौटूंगा मैं, सभी को चिंता मुक्त कर दक्षिण का संकट दूर करूंगा। स्वयं की चिंता छोड़ लोक कल्याण के लिए स्वयं संकट का सामना करने वाले ही साहसी और सामाजिक कहलाते हैं।